अलीगढ़ के थाना दादा क्षेत्र के एटा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शादी समारोह में टेंट लगा रही दो युवक हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया और परिजनों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही बताते हुए छर्रा बिजली घर के सामने शव को रखकर हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाते बुझाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मृतक के भाई सोनपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक विजय टेंट लगाने का काम करता था। मृतक आज शादी समारोह में अपने साथियों के साथ टेंट लगा रहा था, तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में टेंट का पोल टकरा गया, जिससे विजय बुरी तरह झुलस गया और मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं विजय के साथी भी चपेट में आने से घायल हो गया। इधर सूचना पर पहुंचे गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को छर्रा बिजली घर पर रखकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नौकरी व मुआवजे की मांग करने लगे। हंगामा भरता देख हरकत में आई पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को नजदीकी अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया। वहीं हाई टेंशन लाइन नीची होने के चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने की मांग की है और मृतक को उचित मुआवजा व परिवार को नौकरी देने की मांग भी की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कितने लोगों के साथ हादसा हुआ था? दो लोगों के साथ। अच्छा, और दोनों में से दोनों सही है या एक खत्म हो गया, दूसरा झुलसा हुआ है? अच्छा, वो कहाँ है दूसरे वाले? हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा अच्छा, क्या नाम था उनका जो छर्रा में भर्ती है? जी नाम मालूम नहीं है। हम में से किसी को पता है कहाँ के रहने वाले? वैसे वो डोरई डोरई के दोनों लोग नहीं, एक है डोरई के, दूसरे वाले की नहीं पता। हटा नगला भैया, क्या घटना हुई यहाँ पे? बुजली से। अच्छा, क्या नाम था इनका? विजय। आप कौन है इनके? बड़े भाई। क्या नाम है आपका? सोनपाल। कहाँ के रहने वाले हो? डोरई। अच्छा, कितने बजे हुई है ये घटना? जी मुझे नहीं पता। किस जगह हुई है? ये अटा में हुई है। अटा में। अटा में। अटा में हुई है। क्या करने गए थे, क्या काम करते थे? ये जो है टेंट का मजदूर है, मेहनत ये टेंट का काम करने गए थे। अच्छा अच्छा, मजदूर है, मजदूर आदमी है, ये काम करने गए तो थे। टेंट से गिर गए थे? नहीं, लाइट से जो तार नीचा था वहाँ पर। अच्छा अच्छा, जो है करीबन 7-8 फुट तार ऊंचा था, ज्यादा ऊंचा नहीं था। इन्होंने पाइप उठाया है, कड़क से उसमें टच हो गया, एक्सपायर हो गए। इसमें जो है लाइन, जो है लाइन मैन की, जे की, एसडीओ साहब की, उसमें सभी की कमी है। अच्छा, चौक जब तक लाइन नीची है, लाइन का संशोधन नहीं होगा, जब तक अंडरग्राउंड लैंड नहीं होगी, जब तक इस देश का कोई सुधार नहीं होगा। इसका मतलब ये हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो है सारा सिस्टम है, जो काम कराता है, काम करते हैं, वो डाके यहाँ पर छोड़ के भागो। क्या नाम है उनका? नाम जी तो ना पता पड़ रही, वो छोड़ के भागो। टेंट वाले ऐसा, हम तो हम लोग, हमारा ये है साधारण, जितने बड़ी गांव में, ठीक है, देहात हो चाहे सिटी हो, कोई हो, यहाँ पर सारी अंडरग्राउंड लाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये सरकार से हमारी जो मांगे हैं ये होनी चाहिए, जितनी बड़ी लाइन है वो सारी अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम डोरी लाल है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अटा का हूँ। अटा के। ये जो घटना हुई है ये कहाँ के रहने वाले हो? गाँव में, अटा है गाँव में, ठीक है। नहीं, मेरा गाँव तो पुसावली है, अटा में मैं बहुत दिन रहा था। मैंने लाइन मैनी की थी आज से 4-5 साल पहले। अच्छा, ठीक है। दादो बिजली घर पर जो मैंने जो लाइन इसलिए छोड़ दी थी, नौकरी 2 साल हो गई मुझे नौकरी छोड़े, उसमें जो जेई एसडीओ साहब कोई सुनवाई नहीं करते थे, तो इसलिए हमने छोड़ दी लाइन मैंने। आपके कोई रिलेशन में ये? मेरे रिलेशन में भाई है मेरे, चाहे सब अच्छा। भाई है, आप भी भाई हो। रिलेशन क्या है? भाई है सभी हमारे। हम तो यही कम्प्लेंट है, लैंड सही से सही अंडरग्राउंड की करवाई जाए, और इनका जो है जो भी है, इनके जो बेटे हैं, इनके जो भाई खत्म हुए, इनकी सुनवाई हो, इनके नाम जो भी है, इनके लिए इनके घर से कोई भी ना कोई भी, इनकी जो है पूरी मुकदमा जो है लिखा जाए। अगर मुकदमा चाहते हैं तो मुकदमा लिखवा जाए, नहीं तो इनके घर में जो भी है, इनकी जो लड़के की माँ जो खत्म हुए हैं, उनकी जो उनकी पत्नी है, उनके लिए मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से, ठीक है। इनके बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो है सारी गवर्नमेंट उनकी देखभाल करे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये।
वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।